मोदी कैबिनेट ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का कर्ज, तो वही किसानों को मिलेगा 14 फसलों पर लागत से 50 से 83% ज्यादा दाम। देश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 1,90,000 पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 5,394 लोगों की हुई कोरोना से मौत, 90,000 से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद हुए ठीक। दिल्ली सरकार ने प्रदेश के सभी बॉर्डर 7 दिन के लिए किए सील। एनसीआर से दिल्ली में सिर्फ पास से मिलेगा प्रवेश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया कदम। राजधानी जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब विपक्ष सीएम त्रिवेंद्र सहित पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन की बात कर रहा है। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए गाइडलाइंस को राज्य के अहित ही की गाइडलाइंस बता रहा है। और क्या कुछ कहना है विपक्ष का, इसी को लेकर संवाददाता नितिन सिंह ने बातचीत की है कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से। में कोरोना के संक्रमण के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और अब जो 1 तारीख से अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन 5 भी कहा जा रहा है, अनलॉक 1 भी स्टार्ट कहा जा रहा है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि अभी जो कैबिनेट में बैठक हुई थी उसमें जो सतपाल महाराज जी उनके पॉजिटिव होने की खबर है उनके पूरे परिवार के, और मीटिंग में वो भी उपस्थित थे, और जितने भी मुख्यमंत्री उसमें मंत्रीगण उसमें उपस्थित थे, सबको होम क्वारंटाइन करने के आदेश आ चुके हैं। ऐसे में ये बात कितनी देखी जा सकती है कि जो सेतु अभी डाउनलोड करने के लिए बोली गई थी उसके बाद भी इस तरह की खबरें आई, और इस तरह के मामले के आने के बाद भी ये बैठक हुई और इसमें सतपाल महाराज उपस्थित रहे। तो इसमें हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी, उनसे हम जानेंगे। तो जानना चाहूंगा कि जो भी ये मंत्रिमंडल बैठक हुई थी और इसमें जो सेतु ऐप का इतना प्रचार किया गया था कि सेतु ऐप से मतलब इतना सुरक्षित रह सकता आदमी, तो ऐसे में जो सतपाल महाराज वहाँ पे आ चुके हैं उनको उनका भी ऐप होगा, तो ऐसे में कितना सुरक्षित मानते हैं आम आदमी को जब इतने बड़े मंत्रियों के से ये चूक हो जा रही है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ईश्वर से कामना करूंगा कि सतपाल महाराज, उनकी धर्मपत्नी, उनका सारा परिवार, वो इस बीमारी से बाहर निकलें, वो स्वस्थ हों। ईश्वर उनको भी स्वस्थ रखे, पूरे उनके परिवार को भी स्वस्थ रखे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को, जो जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, सब लोग इस बीमारी से बचें, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं। ये निश्चित तौर पर बड़ा लापरवाही का मामला है, बड़ी लापरवाही का मामला है, जिनके कंधों पर पूरे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर पूरे प्रदेश की जनता को बचाने की जिम्मेदारी है, वो स्वयं संक्रमित हो जाएं, इससे बड़ा आश्चर्य का बात नहीं हो सकती। ये लापरवाही है, क्योंकि कोरोना से लड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो सावधानी है, सबसे बड़ा हथियार है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे बड़ा हथियार है वो है मास्क, वो है ग्लव्स, वो है सैनिटाइजेशन, वो है आरोग्य सेतु ऐप, बकौल प्रधानमंत्री और बकौल सतपाल महाराज। लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, आपने ऐसी कौन सी चूक करी कि पूरा परिवार आपका संक्रमित हो गया, आप संक्रमित हो गए, और आप संक्रमित की स्थिति में, संक्रमण की स्थिति में आप मंत्रिमंडल की बैठक में चले गए, वहाँ मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सारे, और सारी सरकार मौजूद और सारे शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद, तो ये बड़ी लापरवाही है। मैं समझता हूँ आरोग्य सेतु ऐप पर प्रधानमंत्री जी का प्रवचन, सतपाल महाराज जी का प्रवचन, और इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन, इतनी बड़ी बड़ी बातें रेडियो से लेके, टेलीविजन से लेके, अखबारों से लेके, आपके भाषणों तक में, आपके प्रवचनों में, और उसके बाद भी अगर आरोग्य सेतु ऐप काम नहीं कर रहा है, या तो आपने डाउनलोड नहीं किया, केवल जनता को प्रवचन देने के लिए किया, जैसे आप कहते हैं कि साहब लालच नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, माया नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप सब करते हैं, वैसे ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, और आप ना करें
ने बात करी अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी से, इन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और जिस तरह सेतु ऐप का प्रचार किया गया था, इतना ज्यादा प्रचार होने के बावजूद जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो ये सरासर सरकार की एक लापरवाही मानी जाएगी। और सरासर ये बात भी सामने आएगी कि जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस दौरान अब जो लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रही है और इतनी तेजी से खोल रही है कि सब कुछ मार्केट खुल चुका है, टाइमिंग बढ़ चुकी है और अब सिनेमाघर और मंदिरों को खोलने की बात भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो इतने टाइम से अपने आप को बचा रहे थे घरों में क्वारंटाइन होकर, वो कहीं ना कहीं अब बात सामने आ रही है कि जिससे लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी से खतरा है जो बढ़ रहा है। कैमरा सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते उत्तराखंड के हजारों प्रवासी अपने घरों को लौट गए हैं। ऐसे में इन प्रवासियों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। ऐसे में पर्वतीय जिलों में लौटे प्रवासी कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कृषि विभाग बेरोजगारी के लिए कृषि के क्षेत्र में कार्य योजना तैयार कर रहा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से देश भर में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। उत्तराखंड से पलायन कर अन्य प्रदेश में रोजगार के लिए गए लोग अब लॉकडाउन की वजह से वापस आ रहे हैं। अकेले छोटे से जनपद रुद्रप्रयाग में 17,000 से अधिक प्रवासी घर लौट चुके हैं। अब इन प्रवासियों के सामने रोजगार का सबसे बड़ा संकट सामने खड़ा है। हालांकि पहाड़ी गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की अथाह संभावना है। इन्हीं संभावनाओं के बीच कई प्रवासी युवाओं ने इस क्षेत्र में हाथ आजमाना भी शुरू कर दिया है। ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर स्थायी रोजगार हमें दे सकता है, क्योंकि कृषि प्रधान ही अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की रही है और कृषि में कभी भी जो है आपको ये आर्थिक मंदी या तमाम मंदी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और हिंदुस्तान के जो पहाड़ी हमारे इलाके हैं, पहले यहाँ पे कृषि होती है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था हमारी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, तो पीछे से धीरे धीरे वो अपने बच्चे अपनी फैमिली को शिफ्ट किए, जिससे कि यहाँ पे रहने हमारी कृषि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब हिमाचल को आप देखिए, वो निरंतर अपनी कृषि, अपनी खेती, अपने फलों पे ही वो डिपेंड है और हज़ारों लोगों को रोज़गार उसने दिया है। कोरोना कोविड-19 की वजह से हमारे ज़िले में बहुत किसान आए हैं और हमको बार बार व्यवसाय के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में क्लस्टरों का निर्माण किया है, जिसमें सब्जी उत्पादन, कीवी, सेब, कटहल, इस तरह के विभिन्न जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। अब उन क्लस्टरों को एल्टीट्यूड के हिसाब से क्रॉप्स का निर्धारण 2-4 दिन में कर लिया जाएगा। लक्सर में किसानों के सामने यूरिया की कमी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। इस समय किसानों को फसल तैयार करने के लिए यूरिया खाद की बेहद जरूरत होती है और ये खाद किसानों को सहकारी समितियों के जरिए मुहैया होती है, लेकिन सहकारी समितियां किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, जिससे किसानों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। किसानों को उर्वरक करने के लिए सहकारी समितियों के कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। से बाद आया, इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है और लोग बाग बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं इसके, कोऑपरेटिव बैंक के, और जी आज लोगों को पता लगा, इसलिए ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और आज भी यूरिया खाद कम होने के कारण कुछ लोग वापस जाएंगे। MHA की गाइडलाइंस के बाद अब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर हरियाणा सरकार ने अपना फैसला ले लिया है और अब हरियाणा के बाजारों में लेफ्ट, राइट और इवन फॉर्मूले को खत्म कर पूरी तरह बाजार खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि MHA की हिदायतों के मुताबिक अब हरियाणा ने भी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया है और हरियाणा के सभी बाजार खोले जाएंगे, जिसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हमारे पास डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स को हम अगर 300 डॉक्टर हम अडो पर रखेंगे और मेडिकल कॉलेजेस के भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भी हमने स्टैंड बाई रखे हुए हैं, तो उनकी भी हमने छुट्टियां नहीं की थी, उनको रखा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनकी सेवाओं को भी लेंगे। भवानीखेड़ा में लगातार 3 दिनों तक हुई बरसात ने अनाज मंडी में फसलों को पानी
का पानी पानी करके रख दिया है। यहाँ बारिश की वजह से अनाज मंडी में अनाज के भीगने से आढ़तियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आढ़तियों की माने तो अनाज मंडी में कट्टों में भरकर रखे हुए गेहूं और सरसों का समय पर उठान नहीं होने से और मंडी प्रांगण में 2 फुट तक बरसाती पानी में भीगने से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। तो वही अनाज के कट्टों में भीगा हुआ अनाज अंकुरित भी हो चुका है, लेकिन अनाज मंडी में बारिश से हुए नुकसान का 4 दिन के बाद भी किसी अधिकारी ने जायजा नहीं लिया है, जिसके खिलाफ आढ़तियों में खासा रोष है। ये 3 दिन से लगातार बरसात हो रही थी, कोई अधिकारी आसूद लेने के लिए नहीं आया मंडी के अंदर। वेयर हाउस का जो सरसम का बारदाना जूट का वो भी पानी में भीगा पड़ा है, 4-4 बार उसकी पलटी मरवा दी तो भी मतलब अधिकारी के पास जाते हैं, कोई सुध नहीं ले रहा किसी प्रकार की। फ़ोन से बात करते हैं, फ़ोन ने स्विच ऑफ कर लेता है और उसके उसके ऑफिस पर जाते हैं जब कहता है ये ठेकेदार की जिम्मेवारी है, तैयार कर कर धर दिया। जो 25-25 और एक महीने के वो माल पड़ा है जो मंडी में भरा भरा वो भी तक कोई उठा नहीं। जो 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 उसके में हमारा अनाज भी खराब हो गया, जो दाम भी रहा है उसको अटकी बोरियन पाड़ की फिर बरकी दे दिया, फिर भी नहीं। जयपुर में बीते दस दिन में एक के बाद एक 6 सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने सभी वारदातों का खुलासा कर दिया है, लेकिन राजधानी जयपुर में एक के बाद एक होती हत्या पुलिस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पहली घटना बगरू क्षेत्र में घटी, जहां लूट के इरादे से पड़ोस में रहने वाले शख्स ने वृद्धा के हाथ पैर काट कर कड़े लूट लिए। वहीं दूसरी घटना वैशाली नगर की है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही रिश्तेदारी ने युवती का अपहरण कर दूदो इलाके में डेड बॉडी फेंक दी, बाद में युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं तीसरी घटना बगरू क्षेत्र की है, जहां अकाउंटेंट सुरेश की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। वहीं चौथी घटना जयपुर ग्रामीण के नरेना थाना इलाके की है, जहां शराब पार्टी के दौरान साथी ने युवक की हत्या कर दी। के ससुर का तो कोई एक ट्रेंड नहीं होता है, हम ये कहें कि इसकी वजह क्या हो सकती है, कोई इसकी तो निश्चित कोई वजह नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक मर्डर नहीं होते, महीनों 2 महीने 3 महीने नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि लगातार कुछ ना कुछ कुछ का इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़े आपराधिक गिरोह की बातें हों ऐसा नहीं लगता है। अधिकांश पारिवारिक मामले हैं, केवल अपन ये धान के आगे मामले को छोड़ दें तो बाकी सभी पारिवारिक मामले से हैं जिनमें मर्डर हुए। राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में राज्य के पूर्व न्यायाधीशों की पंजीकृत संख्या वेलफेयर सोसाइटी ऑफ फार्मर जजेस राजस्थान ने 3,61,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पदम कुमार जैन ने कहा कि ये राशि सभी सदस्यों की ओर से एकत्रित कर SBI बैंक के चेक संख्या द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में जमा कराई गई है। राजधानी जयपुर में परकोटे की 20,000 से भी ज्यादा दुकानें आज से खोल दी गई हैं, लेकिन अब भीड़ को रोकना और पूरी तरह से व्यवस्थित करना पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दरअसल परकोटे में 4,00,000 से भी ज्यादा व्यापारी और उनके कार्मिक हैं, जो आज दुकानें खोलने के बाद एक साथ अप डाउन करने को है। इनमें से अधिकतर परकोटा क्षेत्र के बाहर रहने वाले हैं, जो पूरे शहर में फैले हुए हैं। खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अशोक सिघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी अशोक सिघवी ने सरेंडर करने के साथ ही अदालत में जमानत याचिका भी पेश की है। खान आवंटन के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर 30 नवंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन IAS अशोक सिघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि खान आवंटन के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर ACB में दर्ज मामले के बाद 30 नवंबर 2015 को ED ने तत्कालीन IAS अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
लॉकडाउन का पांचवा चरण पूरी तरह से अनलॉक की दिशा में एक और कदम है। जयपुर में परकोटे के अंदर कुछ जगहों को छोड़कर लगभग पूरे बाजार खुल गए हैं। अनलॉक का पहला दिन होने के कारण व्यापारी अपनी दुकानों को व्यवस्थित करने में लगे रहे। हालांकि बाजार में लोगों की आवाजाही से चहल पहल दिखाई दी, लेकिन वो भी पूरी तरह सतर्क और सावधानी के साथ। लॉकडाउन से अनलॉकडाउन का सफर इतना आसान नहीं है जितना सोचा समझा जाता है। 22 मार्च से कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ ही बाजार बंद हुए, व्यापारिक गतिविधियां ठप हुई, लेकिन अब जबकि लॉकडाउन का पांचवा स्तर शुरू हुआ है, सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है। आज पहली बार करीब 72 दिन के बाद में जौहरी बाजार खुला है, व्यापारियों की दुकानें खुली है, बाजार में देख रहे हैं कि गतिविधियां शुरू हो गई है, लोग आना जाना शुरू हो गए। कल तक यह जो सड़क है बिल्कुल बंद पड़ी थी, कोई भी आने जाने को सारे रुका हुआ था, लेकिन आज से जब से यह लॉकडाउन का पांचवा दिन शुरू हुआ है और अनलॉक की स्थिति शुरू हुई है, तब से लगा करके जौहरी बाजार में अधिकांश दुकानें खुल गई है और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो अपने अपनी दुकानें खोलने को तैयारी भी कर रहे हैं और तैयार भी है। हमारे साथ व्यापार मंडल के जो है पदाधिकारी साथ में खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस लॉकडाउन से अनलॉकडाउन होने तक का जो सफर के दौरान उन्हें जो तकलीफें हुई और क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है बाजार को लेकर के। देखिए ये है, आज मार्केट खुला 70 दिन बाद में। अब बाजार में व्यापारी लोग आए हैं, अपने भी दुकानों की सफाई कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को गाइडलाइन दे रहे हैं मास्क के लिए, सैनिटाइज के लिए, कस्टमर आए तो किस तरह से उनको अटेंड करना है जिससे हम कोरोना से बच सकें। अब अभी हमें उम्मीद है कि समय लगेगा बाजार में व्यापारियों के अंदर में गिरावट आने का, काम होने का। जो 70 दिन से लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी बड़ा इफेक्ट हुआ है व्यापार ट्रेड के अंदर में, क्योंकि एक जयपुर परकोटे के अंदर में ज्वेलरी का बहुत बड़ा व्यापार है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है, इंडिया में फेमस है ज्वेलरी ट्रेड का व्यापार, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे सुधार इस व्यापार का अब आएगा। जौहरी बाजार व्यापार का जो इलाका है वो पैसों के लिहाज से भी काफ़ी मायने रखता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जेम्स एंड ज्वेलरी का काफ़ी असर पड़ा है, क्या कहना है आपका? देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि 70 रोज जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का जो है जेम्स एंड ज्वेलरी को कम से कम 800 करोड़ रुपए का इस बाज़ार से नुकसान हो चुका है, जिसमें जौहरी बाज़ार, गोपाल जी का रास्ता, किशनपुर बाज़ार। वस्तु तो हम ये मानते हैं कि परकोटे के अंदर जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी सराफा का कारोबार करने वाले हैं तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का इन 70 रोज में नुकसान हो चुका है। और आज जिस तरीके से बाजार खुले हैं, लॉकडाउन से हम अनलॉकडाउन के अंदर आए हैं, तो निश्चित तौर से आज पूरा बाजार तो नहीं खुला लेकिन 60% बाजार जो है संपूर्ण परकोटा खोला गया है और लोग आज साफ सफाई और कई व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और निश्चित तौर से लोगों में एक जागृति पैदा हुई। आप खुद देखिए कि आउटर जब सरकार ने 10 रोज पहले खोल दिया था, 15 रोज पहले खोल दिया था, और आज जैसे ही परकोटा खुला तो ऐसा लगता है जैसे जयपुर का हृदय स्थल खुल गया हो और पूरे जयपुर में ऐसा माहौल हो गया जैसे खुशी बट रही हो और लोगों ने वापस से गहमा गहमी चालू हो गई है पूरे जयपुर में कि ये संपूर्ण जयपुर ही खुल गया हो। तो मेरा ऐसा ही सराफा बाजार की अगर बात करते हैं तो हर व्यक्ति जो है इस से जुड़ा हुआ है, किसी के घर में छोटा मोटा भी अगर मान लो मांगलिक कार्य होता है तो सोने चांदी की चीज़ें जो है खरीदते भी हैं। अब जबकि बाजार खुल गया है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो धीरे धीरे जो है अनलॉक की स्थितियाँ और बेहतर होती जाएगी, सराफा बाजार भी अब गति पकड़ेगा, क्या कहना? नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि सराफा बाजार बहुत पीड़ित रहा है और सबसे बाद में इस हमारे इस बिजनेस का नंबर आता है, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकताएं हर व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती है, उसके बाद में सराफा और ज्वेलरी का नंबर कोई भी व्यक्ति है जो लेता है। अब मार्केट चूँकि सरकार ने नई गाइडलाइन के हिसाब से खोला है, हमने भी हमारे संगठन के माध्यम से सभी व्यापारियों को गाइडलाइन जारी करी है कि सुरक्षित रहते हुए और ग्राहकों को सुरक्षित रखते हुए व्यापार करना है। कुछ पूछताछ ग्राहकों की आ रही है, अभी बाज़ार को सामान्य होने में बहुत समय लगेगा ऐसा मैं मानता हूँ, और अभी तो जो मांग है सबसे बड़ी जो त्रासदी हम व्यापारियों सराफा व्यापारियों ने झेली है कि आखा तीज का सावा था, उसके बाद में पूनम का जो शादी विवाह जो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद में नौमी जानकी नौमी का जो होता है बहुत ज़्यादा होते हैं,
वो सारे सावे जो का सीजन जो है सराफा व्यापारियों से चला गया है। बहुत बड़े नुकसान को सराफा व्यापारियों ने झेला है और उसके उपरांत सरकार से जिस प्रकार की सराफा व्यापार नाम बड़ा है पर व्यापारी इसमें छोटे भी होते हैं और उन छोटे व्यापारियों को सरकार से उम्मीद थी कि हमें भी कोई राहत मिलेगी, या तो बिजली का कोई बिल हो या अन्य इत्यादि बहुत सी बातें बोली जा चुकी हैं पूर्व में, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन राहत के नाम पर सरकार की तरफ से व्यापारियों को कुछ नहीं मिला है। अब व्यापारी अपनी आजीविका के लिए संघर्षरत है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सराफा व्यापार भी अपनी गति को पकड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यापारी वर्ग की भी एक चिंताएं भी है, साथ में जो है संभावना भी लेकर के चलते हैं। उद्यमी होता है वो हमेशा संभावनाओं से भरपूर रहता है, अच्छे दिनों की बात करता है। तो जो लॉकडाउन के दौरान की जो स्थिति थी, जो व्यापार और व्यवसाय ठप सा पड़ गया था, लेकिन पांचवें चरण के बाद में और अनलॉकडाउन की स्थिति को धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही व्यापारियों का भी ये मानना है कि आने वाले जो दिन है वो निश्चित रूप से इनके लिए अच्छे होंगे, लेकिन अभी संघर्ष के दिनों की जो इनके साथ में जो परेशानियां थी वह से उबर करके अब वो जो है सकारात्मक और रचनात्मक व्यवहार के साथ में, उस मानसिकता के साथ में कि सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये लोग भी अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस ने और सख्ती दिखाई है। प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 6,841 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 294 आरोपियों के खिलाफ 212 मामले दर्ज किए गए हैं। सुकेत थाना क्षेत्र में श्रमिक की आत्महत्या का दूसरा मामला दर्ज किया गया है। मामला सामने आया है सोमवार सुबह ही। सातल खेड़ी कस्बे में 4 मासूम बच्चों के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक जुगराज बूंदी जिले के धरावन गांव का निवासी था, जो सातल खेड़ी में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मेरे जवाई जुगराज ने आज आत्महत्या कर ली है। इस पर मैं जाते के मौके पर पहुंचा तो जुगराज सनो मांगीलाल बैरवा, जो दरावन कापेन का रहने वाला है, करीब 8-10 साल से सातलखेड़ी में किराए से रहता था, जो छत पे लकड़ी के बल्ली से साफी का फंदा लगाकर लटका हुआ मिला। उसे देखा गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लाश को उसके सभी लोगों के साथ नीचे उतराया तो उसके ससुर बाबूलाल ने एक प्रार्थना पत्र लिखित पेश किया कि मेरा जवाई था जो शराबी पीता था और पत्नी से कभी आपस में जलाई झगड़ा करता रहता था, उसने आज सुबह 5:30 बजे करीब जानबूझकर साफी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जयपुर के सामर कस्बे में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालय खोलने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल यहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जो कि उपखंड मुख्यालय पर खुलना था, उसको दरकिनार किया जाने के विरोध में बीजेपी ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कोरोना महामारी की मार से भीलवाड़ा का कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। यहां कपड़ा नगरी के टेंट, लाइट, डेकोरेशन और डीजे साउंड व्यापारी भी अब उनके व्यवसाय खोलने की अनुमति देने की मांग उठाने लगे हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके व्यवसाय चालू करने की अनुमति दिलाई जाए। अनुमति नहीं मिलने पर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। लाइट डेकोरेशन के भीलवाड़ा शहर के 100 से 150 व्यापारी बिल्कुल बेरोजगार हो चुके और आने वाले समय तक इस व्यापार को चलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और हमारे व्यापार से जुड़े हुए 1,000 परिवार वो भी बेरोजगार हो गए और भूखे मरने की नौबत आ गई है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम व्यापारियों को 4 से 5 लाख रुपए का ऐसा लोन दिया जाए जिस पर 1 साल के लिए कोई ब्याज नहीं हो और किस्तों में रकम जमा की जाए। हम सरकार से यही आशा करते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।